सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी। हम तुमसे एक जरूरी बात करने आए। कहिए। तुम हमको अपना फर्जंदी मिले लो। जी मतलब अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे दो। और जिसे मैं गुमशुदगी समझ रहा था वो तो तुम्हारी अपनी मर्जी थी। तुम अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ पूरी रात। की बकवास बंद करो, मुझे जाने दो। क्या बकवास बंद करूँ? हाँ, क्या रात भर तुम उस लड़के के साथ उसके बेडरूम में नहीं थी? लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जहाँ हम जा रहे हैं मुझे कम महसूस हो? इस बार गारंटी? कोई माँ बेटी है जिनके घर में कोई मर्द नहीं है और मकान मालिक उनको बहुत तंग करता रहता है, वो कोई महफूज जगह की तलाश में। शहनाज बाजी की नजर में वो ज्यादा मुस्तहिक है। खैर, तुझसे एक बात पूछूं? क्या पूछ? तू मेरा तो नहीं मानेगा? नहीं नहीं यार, मैंने एक बात नोट की है। जब भी तू सारे मोर शहर को एक साथ देखता है ना, तेरा मूड क्यों ऑफ हो जाता है? देख मेरी बात सुन। कॉलेज के पहले दिन से वो लड़की जहर लगती है मुझे, और उसने जो अब किया है ना, नफरत हो गई है मुझे उससे। फिर ऐसा किया ही क्या है उसने? उसने क्या किया? उस सारिम के साथ अफेयर चल रहा है उसका, समझा तू? पूरी रात रही है वो उसके साथ और तू मुझसे पूछ रहा है कि उसने क्या किया है? यार मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी कम से कम। क्या मतलब तुझे उससे उम्मीद थी? फिर क्या उम्मीद है भाई तुझे उससे? तुझे एक बात बताऊं, शायद सुनने में तुझे अजीब लगेगा लेकिन ये सच है, इट्स ट्रू। शहर ने जब भी मेरी ख्वाहिश मेरी दोस्ती को रद्द किया है, हाँ बज़ाहिर गुस्सा आया मुझे, लेकिन हमेशा उसके लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ती गई यार। लेकिन पता नहीं क्यों यार, ये जानकर कि हर लड़की की तरह उसका भी एक अफेयर है, बहुत हर्ट हुआ मैं। और अब मुझे ये लग रहा है कि अगर शहर शरीफ लड़की नहीं है तो इस दुनिया की कोई भी लड़की बाकिरदार नहीं है। यार तू उसको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है, बल्कि मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। आई एम डैम श्योर दैट यू आर इन लव विद हर। नहीं, मोहब्बत एक कमिटमेंट का नाम है और मैं जिंदगी में कोई कमिटमेंट कर नहीं सकता। अच्छा तो फिर इतनी सारी बातें जो तू मेरे साथ बैठ के कर रहा है, इसका फिर मैं क्या मतलब समझूं यार? पता नहीं, गाड़ी चला यार। नहीं भाभी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो पुरानिया नहीं हो सकती। अरे वो तो जरा भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी है, बल्कि मुझे तो एक बेटी की मां भी नहीं लगती। मुझे तो लगता है मैंने ही नहीं उसने भी मुझे पहचान लिया है। कि ऐसे ना हो कि शहर की तरह शहर भी उसे छिन जाए। ओहो, आप दोनों अहमक हैं भाई। क्या मतलब है? अरे भाई आप लोगों को क्या खौफ है? यही ना कि रानिया शहर को पहचान लेगी और आप लोगों से छीन लेगी? हाँ बिल्कुल। अरे भाई वो उसे किस तरह पहचान सकती है? उसे क्या मालूम कि हमारी बेटी उसकी भांजी है? और रही बात जहां तक आप लोगों के पहचानने की, तो जिंदगी में कितने लोगों से हम मिलते, उसमें से कुछ लोग याददाश्त में रह जाते। अगर वो आपको गौर से देख रही थी तो मुमकिन है कि आप उसकी याददाश्त में हो, उसमें घबराने की क्या बात है? अगर नफीस साहब, शहर का नाम और वल्दियत भी तो तब्दील नहीं हुआ, यूं तो हजारों बच्चों के नाम एक जैसे होते, लेकिन वल्दियत तो अलग होती है। ओहो भाई, तो उन लोगों के सामने शाहब का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। और ऊपर से अब ये लोग यहां रहेंगे, आखिर कब तक हम ये छुपा पाएंगे?
जब तक मुमकिन हो सके। और फिर बात की बात में देखी जाएगी। नफीस भाई, ये नहीं हो सकता कि हम किसी तरीके से उन लोगों को यहाँ आने से रोक लें? कम से कम जो सर पे तलवार लटक रही है वो तो हट जाए। अरे बेटा, ये गलत बात है। और फिर तुम लोग भूल रहे हो कि शनाज से हमने उन्हें पनाह देने का वादा किया है। अब अगर उन्हें मना कर देंगे तो वो यकीनन सोचेंगे कि बड़े घरों में रहने वालों के दिल में गुंजाइश नहीं होती। ना वो वादा पूरा करते हैं और ना ही तवक्कात पे पूरा उतरते हैं। नफीस साहब, इसमें रिस्क तो है ना? अल्लाह मालिक है, भरोसा रखें उसके ऊपर। सारिम, बेटा नाश्ते के लिए आ जाओ, पापा वेट कर रहे हैं। जी मम्मी, बस मैं आता हूँ। अच्छा ये तो बता दो कि अपनी बर्थडे पार्टी में किस किस को बुलाना है? मम्मी, मेरा ख्याल है कि किसी को भी ना बुलाएं। क्यों? कितना अजीब लगता है कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के की बर्थडे आप एक छोटे बच्चे की तरह मना रही हैं। भला ये क्या बात हुई कि मैं तालियों के शोर पे केक काटूं? तुम हमारी इकलौती औलाद हो बेटा, हम तुम्हारी खुशी नहीं मनाएंगे तो और किसकी मनाएंगे? अरे आपकी खुशी मेरे सर आंखों पर, लेकिन आप मेरी बात भी तो समझने की कोशिश करें। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। हम भला कौन होते हैं कुछ कहने वाले। माना कि तुम बड़े हो गए हो, जो दिल करता है वो ही करना चाहिए तुम। अच्छा आप नाराज मत हो, होगा वही जो मेरी प्यारी सी मम्मी चाहेंगी। सच? बिल्कुल सच। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर लूंगा, बल्कि मैं शहर की फैमिली को भी इनवाइट कर लूंगा। शहर वही लड़की है ना जिसने उस पुलिस वाले मामले में तुम्हारी मदद की थी? जी। अच्छा ठीक है, जब भी उसे इनवाइट करने जाओ मुझे साथ जरूर लेकर जाना। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका जिन्होंने मेरे बेटे की मदद की है। हाँ तो ठीक है, अभी वैसे भी एक हफ्ता बाकी है। ठीक है बेटा, बहरहाल इस वक्त नाश्ते पर आ जाओ। ठीक है? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों से पहले कहीं मिल चुकी हूँ। हाँ जरूर मिली होगी। इतनी लंबी जिंदगी में इंसान चाहते ना चाहते एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, छोटी सी तो दुनिया है। ये भी है। गुलनार, तुम ऐसा करो इनको इनका कमरा दिखा दो। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपके कमरे में आपकी जरूरत की सब चीजें रखवा दी है। और फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान है, ऐसा एहसान जो सारी उम्र भी नहीं उतारा जा सकता। इंसानों का इंसानों पर कोई एहसान नहीं होता, एहसान तो सिर्फ अल्लाह की जात है। तहमीना, तुमने बहुत अच्छी बात की है, तुम्हारी जैसी सोच सबकी हो जाए तो कितना अच्छा है। गुलनार, तुम इन लोगों को इनके कमरे में ले जाओ। बहुत शुक्रिया, चलो बेटा। वो मैं पूछ रहा था शहर के, अम्मी आपसे और आपके घर वालों से मिलना चाह रही हैं, तो क्या मैं उनको ले आऊं? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है? बल्कि मेरे घर वाले तो तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। अच्छा सुनो, मैं अभी बहुत जल्दी में, मैं तुमसे बात मत करती, ओके? अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। चले यार, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है। क्या हो गया? जब इतने सारे लड़के इंटरेस्टेड हैं इसमें तो वो सारे में क्या खास बात है?
भाई दिल है किस पे भी आ जाए। आ जा। और मुझे तो इससे मिलने का बहुत इश्तियाक था, लेकिन आज शहर से मिली हूँ तो इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि सारिम सही तारीफ करता था शहर की। हिसार-ए-इश्क। शुक्र है यार एग्जाम से तो जान छुटी। हाँ यार मैं तो तरस गई हूँ सुकून की नींद सोने को, अब घर जाके दिल भर के सोऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कौन हो बेटा? हैरत है, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए कि ये कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है। सहर के रानिया है, आज से हमारे साथ यहाँ रहेंगे। रानिया के मेरी बेटी है सहर। सहर? रानिया बेटा मैंने खाना लगवा दिया है, तुम फ्रेश होके आ जाओ जल्दी से टेबल पे, फिर वहीं सारी बातें करेंगे। जी। मामा ये कौन है? बेटा आपको बताया था ना, हमारे घर के नए मेहमान हैं, नई रौनक। लेकिन ये मुझे ऐसे क्यों देख रही थी जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ? सहर एक तो तुम हर बात की खोज में चली जाती हो। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा जाके फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में खाना खाएंगे। ओके। शुक्र है सहर ने उसे अपना पूरा नाम नहीं बताया। यार तो तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? हालात की वजह से। लेकिन अब तो तुम दोबारा स्टार्ट कर सकती हो अपनी पढ़ाई। लेकिन यार तुम एक काम करो, कल मेरे साथ चलो, मैं खुद तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराऊंगी। मैं अम्मी से पूछे बगैर आपको हाँ नहीं कह सकती। यार तुम इस चीज की फिक्र ना करो, मैं आंटी से खुद तुम्हारे लिए इजाजत लूंगी, वो मुझे ना नहीं कर सकती। तो फिर क्या सोचा? किस बारे में लड़? ऑफिस ज्वाइन करने के बारे में। डैड मैं कल से आऊंगा इंशाल्लाह। गुड। और एक और बात पर सोचना शुरू करता हूँ। वो क्या? अपनी शादी के बारे में। शादी? अभी अभी नहीं सोचा मैंने शादी के बारे में डैड, अभी उम्र क्या है मेरी। क्यों, शादी तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग्स में शामिल नहीं है? है डैड लेकिन अभी नहीं, अभी 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 तो मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई हैं, अभी मुझे आपके साथ काम करना है, बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे, आप जैसा बनना है मुझे। तुम्हारी किसी से कमिटमेंट है? अरे नहीं नहीं डैड कैसी बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है, मेरी नजर में कुछ रिश्ते हैं, अगर वो तुम्हें समझ आए तो सही है वरना। और अगर समझ में नहीं आया तो? देखो साहिर, मेरे लिए तुम्हारी और तुम्हारी ख्वाहिश की बहुत अहमियत है। देर आप जानते हैं मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान क्यों समझता हूं? क्यों? क्योंकि आप मेरे डैड हैं। डैड जितनी मोहब्बत मैंने आपसे पाई है ना, इतनी मोहब्बत इस दुनिया की कोई भी औलाद अपने बाप से नहीं पा सकती डैड। सारिम वाकई में बहुत तारीफ किया करता था शहर की, और मुझे तो इससे मिलने का बहुत इश्तियाक था, लेकिन आज शहर से मिली हूं तो
इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि सारिम सही तारीफ करता था शहर की। शहर बहुत अच्छी है। हमारी शहर है ही इतनी अच्छी, हमारे घर में तो सारी रौनक और रोशनी इसी के दम से है। तहमीनों मामानी तो बस ऐसी बातें करती रहती हैं। सच पूछिए तो हमारे घर की भी सारी खुशियां, सारी रौनकें सारिम के दम से हैं। देखिए ना, सालगिरह मनाने से ही मना कर रहा था मुझे, हालांकि मेरा बस चले साल में दो मर्तबा मनाऊं इसकी सालगिरह। और हम आप लोगों को डिनर के लिए इनवाइट करने आए, और आप सबको आना पड़ेगा। अरे बेटा, इतने प्यार से बुलाओगे तो कौन है जो तुम्हें मना कर सकता है। बस हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा, जरूर आइएगा। जी बिल्कुल। सारिन, बेटा बहुत मसरूफ हो क्या? अरे नहीं मम्मी, आप बोले। ये बताओ कि शहर कैसी लगती है तुम्हें? क्या मतलब कैसी लगती है? एक सीधे सवाल का भी कोई मतलब होता है क्या? मम्मी, शहर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वो ना सिर्फ एक अच्छी लड़की है बल्कि शी इज क्वाइट डिफरेंट एज वेल। उसका सोचने का अंदाज, जिंदगी से मुताल्लिक उसका पॉइंट ऑफ व्यू, और लोगों के लिए इतना एहसास करना उसे सबसे अलग करता है। अगर इतनी अच्छी लगती है तुम्हें शहर, तो शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? मम्मी, अब हर अच्छी लड़की से शादी तो नहीं कर ली जाती ना। तो क्या बुरी लड़की से शादी करनी चाहिए? एनीवे बेटा, तुम्हारे पापा इस्लामाबाद से वापस आ जाए तो मैं उन लोगों से रिश्ते की बात करूंगी। आपका जो दिल में आता है आप करें, लेकिन फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, सोचो। पता नहीं क्यों उसकी सूरत देखकर मुझे राबे आप की साथ की और मासूमियत याद आती है, और फिर उसका नाम। मैं भी ये जानते हुए कि शहर गुलनार की बेटी है, जाने क्या क्या सोच रही हूँ। अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं इनकी शहर में अपनी शहर को तलाश कर रही हूँ, तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुमकिन है कि वो दोबारा मुझ पर एतबार ही ना करे। नहीं, मैं किसी से इस बारे में बात नहीं करूंगी। आ जाए। सह बेटा, तुम? आंटी, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहो। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बेटा, मैं जाग रही हूँ, आओ। शहर मुदस्सिर, आज एक बड़ी अजीब सी बात हुई यार। पता नहीं कैसे आज डैड को मेरी शादी का ख्याल आ गया यार। तो तुम उनकी इकलौती औलाद हो, अपनी ख्वाहिश की तकमील वो तुमसे नहीं चाहेंगे तो किससे चाहेंगे? और वैसे भी तुम्हें शादी पे एतराज क्या है? किसी हूर के इंतजार में तो नहीं हो तुम? नहीं नहीं, किसी हूर का इंतजार नहीं है मुझे। मुझे अपनी जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर चाहिए जिसमें कोई क्वालिटी हो यार। और वो स्पेशल क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसी लड़की आए जो मुझे इतना इम्प्रेस करे कि साहिर आलम मजबूर हो जाए उसके बारे में सोचने के लिए। और वो लड़की ऐसी ही हो सकती है जो मुख्तलिफ हो, अलग हो, बनावटी ना हो, जैसी हो बस वैसी हो। यार तेरी इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती है, उनमें से कोई एक भी ऐसी नहीं है जिससे तू शादी कर सकता हो?
ये जो तेरे मेयार पे पूरी उतरती है? नहीं यार, आज तक दिखी नहीं ऐसी कोई लड़की। सर फेरी लड़की का ख्याल फिर कैसे आ गया मुझे? नहीं नहीं नहीं। हिसार-ए-इश्क। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंटी ये मेरे फादर हैं, आप जानती हैं ना? बेटा ये सवाल अपने अब्बू से पूछो, जो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पहचानने से इनकार कैसे करें। अगर तुम शहर की सच्चाई शहाब भाई से इसी तरह छुपाती रही तो शहाब भाई ने जो नाइंसाफियां जो ज्यादतियां राबिया आपी और शहर के साथ की उनका हिसाब कौन मांगेगा? रानिया उस बात को भूल जाओ। मैं ये तो नहीं जानता कि आपने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी थी। अलबत्ता मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि वो क्या वजह थी जिसे बुनियाद बनाकर आपने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दे। कैसा हिसार-ए-इश्क है, कैसी है जिंदगी,